हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? उम्मीद है जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो पे देखा था, मैंने एक शोरूम बाइक है तब 50,000 का, ठीक है। उसमें मैंने शोरूम था मेरा, मतलब कार कार मुझे खरीद के बेचना है, ठीक है, मतलब सेकेंड हैंड कार वगैरह को खरीद के बेचना है। तो उसी उसी के लिए मैंने एक शोरूम खरीदा। तो उसके अंदर देखिए, आप लोगों ने देखा ही था, मेरा पहला कस्टमर जो था वो शाम को आया था। तो उसने कुछ कम पैसे में मैंने छोड़ दिया, ठीक है, घर, क्योंकि मेरा पहला दिन था इस गेम पे, ठीक है। तो मैंने कम दाम पे छोड़ दिया। अभी ये दूसरा दिन है, देखता हूँ, ठीक है, अभी देखता हूँ दूसरे दिन में कौन कितना कस्टमर आता है, ठीक है। तो गाइस, बिना किसी देरी के इसके वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं आज कौन सा कस्टमर आने वाला है। तो सबसे पहले दुकान के अंदर, मतलब अपने शोरूम के अंदर जाके देखता हूँ क्या हाल है। पहले इधर से इधर पे तो गाड़ी तो लगवाए नहीं, गाड़ी लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखता हूँ अभी पहले कौन सा गाड़ी लगवाना है, ठीक है। सबसे पहले से 3,000, सबसे कम रकम वाला है गाड़ी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो कैश तो नहीं है। देखो भाई, 9,000 ही था, अभी देखो 6,000 यहाँ से गया। अब देखो इधर पे कितना, 7,200 का मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इधर पे बिडिंग प्राइस उतना नहीं आया है। तो देखता हूँ कौन आता है पहला कस्टमर। सबसे पहले यहाँ से मैं अपना अभी बिल पे करना होगा, ठीक है। हमें बिल भी जमा हुआ है, ठीक है, लाइट बिल वगैरह होता होगा शायद, उसको देना पड़ेगा। देख सकते हो 500 रुपये बिल आया है, तो उसको बिल को मैंने पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग, मैंने बिल भी पे कर दिया अभी। तो ये देखो, मैंने अपना बिल पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे अपना मतलब शोरूम को ओपन करना होगा। ये लो, शोरूम भी ओपन हो चुका है। अभी देखता हूँ मेरा पहला कस्टमर कौन आएगा, ठीक है। पहला कस्टमर आएगा तो इस ये गाड़ी अगर सही दाम बोलेगा तो मैं उसको बेच दूंगा, ठीक है। तो पहले आ जाने, तो फिर देखता हूँ कौन मतलब कौन सा क्या रहता है, ठीक है। तो इधर एक और मैं कार बेस लगवा देता हूँ, ठीक है। कार बेस अगर लगाऊंगा तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे लिए अब जल्दी जल्दी पैसा इनकम आएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी मैं लगा सकूँगा कार बेस, उतने मेरा फ़ायदा है। तो इधर भी एक लगा देता हूँ, ठीक है, ये कोने पे। अभी देखता हूँ इसको किधर लगाए। हाँ भाई, इधर ही ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें भी एक गाड़ी डाल दूंगा, ठीक है। ये देखो भाई, एक कस्टमर आ चुका है, भैया कस्टमर आ चुका है। हेलो सर, क्या चाहिए आपको? गाड़ी चाहिए? गाड़ी है भाई, हाँ ले लो भाई, कम दाम में अच्छा अच्छा गाड़ी मिल जाएगा आपको। आपको पसंद आया तो ले लेना, ठीक है। अभी देखता हूँ ये कौन कितना प्राइस बोला। अबे यार, ये कितना, 4,000? 4,000 तो मैंने ख़रीदा भी नहीं है भाई। तू चले जा भाई, मुझे नहीं बेचना इतने इतने कम में कारी। बिजनेस सिर्फ 4,000 बोला भाई। बाय द वे, एक और कस्टमर आया था, ठीक है, उसने मुझे ऑफर दिया 7,200 का, तो मैं इसको बेच दिया, ठीक है। तो उसको बेच के मैंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया, ठीक है। अब इधर पे मैं गाड़ी लगवाना पड़ेगा, इधर एक साइड पे, इधर भी खाली पड़ा है, ठीक है। इधर एक गाड़ी लगवा देता हूँ पहले, इधर से मैं 4,500 वाला गाड़ी लगवा दूँ क्या, रेड वाला? अगर रेड वाला लगवा देते हैं, ठीक है। इधर भी इनकम भी अच्छा खासा है। तो देख सकते हो 5,400 का मैंने बिडिंग प्राइस लगा दिया। देखता हूँ अभी कौन खरीदता है कि नहीं इसे, ठीक है। तो इधर भी एक और लगवा देता हूँ, ठीक है। इधर भी गाड़ी खाली पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि कस्टमर आएगा तो देखिए दुकान पर तो कुछ नहीं है, तो वापस रिटर्न चला जाएगा। इसलिए अच्छा 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 गाड़ी लगवा देता हूँ, ठीक है। तो गाड़ी तो लगा देता हूँ, देखो 10,000 का मैंने गाड़ी लगाया इधर। तो अभी देखते हैं उसमें प्रॉफिट कितना, 12,000 का लगवा देता हूँ, ठीक है। 2,000 पूरा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अभी देखता हूँ कौन आता है इसको लेने। तो इधर भी एक कार अटका हुआ है, ठीक है। इसको पे इसका प्राइस, ठीक है भाई। ये देखो भाई, बच्चा आ गया था अंदर, इसको भगा दिया मेरे गार्ड ने। गार्ड वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, गार्ड एकदम सही काम कर रहे हैं। वो बच्चे लोग आते हैं उसको भगा देते हैं बाहर, ठीक है। अभी देखता हूँ ये कितना बोलता है, ठीक है, प्राइस। हेलो सर, गाड़ी पसंद आया क्या? हाँ, इसको पसंद आ गया। अभी देखता हूँ कितना प्राइस बोला भाई। यार 12,000 का, 12,000 ही बोला। चलो भाई, इसको बेच देता हूँ, ठीक है। 2,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, इसको बेच दिया, ठीक है। अभी ये देखो मेरा 2,000 का प्रॉफिट। ऊपर देख सकते हो मेरे पास अभी कितना पैसा है, 13,000 रुपीज़ कुछ है। तो इधर भी एक और मैडम आई थी, ठीक है। मैडम को देखते हैं, मैडम आपको गाड़ी पसंद आया क्या? हेलो मैडम, भैया क्या हुआ भाई, ये गाड़ी पे क्या गू लगा हुआ है क्या आपको, जो पसंद नहीं है गाड़ी को? भाई भैया गुस्सा होकर चले गए, पता नहीं क्यों यार, गाड़ी पे क्या गु कुछ तो लगा नहीं है। वो देखते हो इधर भी एक और गाड़ी लगवा देते, ठीक है। मैडम लोग ऐसे होते भाई, वोमेन है ना, वोमेन। अभी देखते हो इधर एक और गाड़ी भी लगवा देता हूँ, 10,000 का है मैंने। तो वापस ये 12,000 का, 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा इस पर। वो देखता हूँ एक और मैडम आ रही, ठीक है। उसको देखता हूँ क्या चाहिए। हेलो मिस, क्या चाहिए आपको? गाड़ी चाहिए? गाड़ी है भाई, कौन सा गाड़ी चाहिए बोला आपको? अच्छा खासा गाड़ी मिल जाएगा कम दाम पे, आपको जो पसंद है ले लो यहाँ से, ठीक है। आपको जो पसंद आया ले लेना। इसको ऑफर प्लेस कर दे, इधर मुझे एक और बेस लगवाना पड़ेगा। देखता हूँ पहले एक मैडम आए तो उसने ऑफर अपना प्लेस किया। अभी देखता हूँ ये इधर पे भी एक और ऑफर मतलब प्लेस कर चुका है। इधर भी 12,000 का प्रॉफिट, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ। इधर पे एक सर आया था, ठीक है। इधर पे मैडम देखते क्या बोलता है। अच्छा, इसने ले लिया भाई, मैडम अच्छा खासा मैडम था, पिछला मैडम का जैसे नहीं था जो गुस्सा होकर चला गया था, ठीक है। अभी वापस गाड़ी लगवा देता हूँ, ठीक है। 14,000 का इसमें सीधा गाड़ी लगवाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत पैसा आ चुका है, 40,000 तो अच्छा खासा पैसा आ चुका है। अभी इसको भी लगवा देता हूँ, ठीक है। इधर भी एक और गाड़ी लगा देता हूँ, देखो देखता हूँ इधर कितना लगा, कितना का लगवा सकता हूँ। अब इधर पे मैं सोच रहा हूँ एक बार में 20,000 का गाड़ी लगवा दूँ, क्यों सही रहेगा ना, एक बार में 20,000 का गाड़ी लगवा देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉफिट कितना, 4,000 का प्रॉफिट है। तो लगवा देता हूँ, देखता हूँ कौन आता है गाड़ी को लेने के लिए।
और तो अभी शाम होने को, ठीक है, मेरा शोरूम बंद करना होगा। ठीक है, शोरूम भी बंद कर दिया मैंने, अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। ठीक है, सो कल सुबह आके देखता हूँ कौन कितना क्या रखा है अपना बिडिंग। ठीक है, दुकान मैंने मतलब अपना शोरूम बंद कर दिया, अभी ऐसे मैं सोने जाता हूँ। ठीक है, येलो मैं सो गया। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुका है। अब वापस से मुझे अपना काम करना, मतलब अपना धंधा शुरू करना होगा। ठीक है, अपना शोरूम को ओपन करना होगा जाके, क्योंकि ओपन करूँगा तो ही मेरे घर पे पैसा आएगा, कुछ खा रोटी रोटी पानी खा सकूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपना पहले बिल पे करना होगा। ठीक है, ये तो नहीं खोलने वाला। हाँ, मुझे बिल का पे करना होगा, तो बिल पे कर देता हूँ कंप्यूटर के पास जाके। ठीक है, अभी कंप्यूटर के पास जाता हूँ मैं। अपना सिक्योरिटी गार्ड को भी पैसा देना, ठीक है, इसको 1 महीना का सैलरी अभी तक मैंने दिया नहीं, अभी दे दूँगा उसको। बिल वगैरह मैं सब, ये लोग मैंने बिल वगैरह पे कर दिया। ठीक है, अभी ऐसे शोरूम ओपन करूँगा, शोरूम भी ओपन हो चुका है अभी। अभी देखता हूँ पहला कस्टमर कौन आता है, और ऊपर भी जाने का रास्ता। ठीक है, ऊपर का भी बाद में अपग्रेड होगा। ठीक है, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी पैसा वगैरह कम है, पैसा आएगा तभी मैं ऊपर का खोल पाऊँगा। फिलहाल तो पैसा कमाने पर ध्यान देता हूँ, नीचे का ही बेस वगैरह बना लेता हूँ। ठीक है, एक सर आ रहा, देखता हूँ उसको गाड़ी चाहिए क्या। हेलो सर, गाड़ी चाहिए क्या? अच्छा, मैं देखता हूँ इधर और क्या, कौन से गाड़ी इधर। अच्छा, ये सब गाड़ी मैं खरीद खरीद सकूँगा अगर मेरे पास पैसा होगा तो। भाई देखो, मेरे सभी पैसा नहीं। ठीक है, एक कस्टमर आ रहा है, देखते हैं उसको गाड़ी पसंद आया कि नहीं। हेलो सर, गाड़ी पसंद आया क्या? ऊपर प्लेस कर दे, देखते हो इसको गाड़ी पसंद आ गया शायद से। हाँ, इसको गाड़ी तो पसंद आया, लेकिन ये प्राइस बहुत कम कर रहे, भागते रहिए ऐसे, नहीं नहीं बेचना मुझे इतने कम प्राइस पर। इस पे भी प्राइस मिल गया था मुझे, इतना जितना का बोला था उतना ही मैंने मुझे दे दिया। अभी यार एड बीच में ऐड चल गया था कोई ना, उसको काट दिया मैंने। ठीक है, अभी देखते हैं एक और गाड़ी प्लेस कर दे। और गाइस, मेरा मतलब रिकॉर्डिंग करना मेरा ऑफ हो गया था। ठीक है, तो मेरा पास अच्छा खासा पैसा हो चुका था, देख सकते हो 5 लाख कुछ पैसा आ चुका था। एक बंदे ने आके, ठीक है, पता नहीं 1 लाख दे दिया डायरेक्टली, 40 हज़ार का गाड़ी था, उसने 1 लाख दे दिया, तो उसकी वजह से मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। ऊपर में देखा, मैं सुपर कार पर डील कर रहा हूँ, देख सकते हो मेरे पास पैसा का कमी नहीं है अभी। ठीक है, ये देख सकते हैं मैं अभी पूरा असली मतलब दामी दामी वाला गाड़ी खरीद के अपना शोरूम पे रख रहा हूँ, और काफ़ी बंदे आके खरीद भी रहे। ठीक है, देख सकते हैं बस पैसा कितने सारे हो गए। मेरे रिकॉर्ड करना भूल गया था, मतलब मेरा रिकॉर्डिंग जब मैंने ऐड चला था ना, तब मैंने अपना रिकॉर्डिंग गलती से ऑफ कर दिया, तब से मैं ऑन करना ही भूल गया। कोई ना, मेरा अच्छा खासा पैसा हो चुका है, तो वापस से इससे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, देख ही सकते हो मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शोरूम खोलने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स गो गैस, ये भी खुल चुका है। ठीक है, सो गैस आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ऊपर का शोरूम देखना है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।